किसान किसान भाइयों नमस्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है किसान भाइयों आज का हमारा जो विषय है वो है बागों की देखभाल इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी आप विभागाध्यक्ष हैं बागवानी विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है डॉक्टर साहब एक समय होता था जब किसान के पास जमीन बहुत ज्यादा थी और अपने खेत से वो मर्जी से उत्पादन लेता था लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम देखें आज की हम बात करें तो किसान के पास ज़मीनें कम हैं और उसके ऊपर दबाव है कि वो अपने खेत से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले कृषि विभाग और जो बागवानी विभाग है वो दोनों विभागों ने मिलकर इसका रास्ता निकाला कि किसान भाई एक खेती के साथ सहायक व्यवसाय करे बागवानी के रूप में तो डॉक्टर साहब जो बागों की अगर हम बात करें तो हरियाणा की जो भूमियाँ हैं उसमें कौन कौन से ऐसे बाग हैं जो लगा सकते हैं और किस किस समय लगा सकते हैं देखो बागवानी आमदन के हिसाब से इस समय दूसरी फसलों से काफ़ी आगे है जी परंतु ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ आपकी दूसरी फसलें होती हों तो वहाँ बागवानी कामयाब हो तो बागवानी करने से पहले किसान भाइयों को इसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि बाग ज़्यादातर तीन चार साल में फल देते हैं अगर शुरू में कोई कमी रहेगी बाग लगाने में किस्म में या किसी भी चीज़ में तो वो किसान को सारी उम्र भुगतने पड़ती है के तो ले सकता उतना अच्छा भी नहीं हो सकता उत्पादन ना भी हो अगर ऐसी कोई किस्म लगा ली जो नहीं होती मान ली किसी किसान भाई ने किसी कहने जैसे नारियल लगा लिया बादाम लगा लिया जो यहाँ का फल नहीं है तो इसलिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जलवायु के अनुसार ही फलों का चुनाव करे अब हरियाणा में दो तीन तरह के जलवायु है जो इस सरसा फतेहबाद भिवानी जींद का कुछ भाग है रिवाड़ी है वहाँ ज़्यादातर अमरूद नींबू जाती फल जिसमें किन्नौ आ गया माल्टा आ गया नींबू आ गया और बेर आंवला यही कामयाब है अब दूसरी तरफ लेते हैं जैसे अम्बाड़ा है यमुनानगर है करनाल है जितने भी वो ज़िले हैं जिनमें बारिश अच्छी होती है तो वहाँ आम की खेती की जा सकती है लीची है चीकू है मतलब अलग अलग प्रकार के डॉक्टर साहब आपका कहने का मतलब ये है कि जो किसान भाई बाग लगाना चाह रहे हैं या जिन्होंने लगा रखे हैं सबसे पहले तो वो अपने खेत की जांच करवाएं कि उनकी मिट्टी कैसी है उनका पानी कैसा है दूसरा जो बाग है वो जलवायु पर निर्भर करते हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हरियाणा की जो भूमि है वो चार भागों में बटी हुई है सिंचित भूमि है अर्ध सिंचित भूमि है और मारू भूमि है या बिल्कुल सूखी जहां बारिश होती ही नहीं है वो भूमिया है और डॉक्टर साहब ये जो भूमिया है इसके अनुरूप ही किसान भाई बाग लगा सकते हैं चुनाव करे उसका किस किस समय उपयुक्त रहेगा बाग लगाना जलवायु के अनुरूप देखो चाहे जल अम्बाड़ा हो चाहे शहर हो कोई भी जिला हो बाग लगाने के मुख्य दो समय हैं जी एक तो जनवरी फरवरी मार्च तक यानी कि तीन महीने तीन महीने जनवरी में पतजड़ी पौधे लगाएं जिसमें आड़ू है आलू बुखारा है नाशपाती है अंगूर है और फरवरी मार्च में जितने भी सदाबार पौधे इनके अलावा वो फरवरी में लगाएं फरवरी या मार्च में दूसरा उपयुक्त समय है जुलाई से लेकर सितंबर तक यानी कि डॉक्टर साहब जिस समय मॉनसून आती है बारिशें होती बारिशें होती हैं जुलाई या सितंबर परंतु बेर एक ऐसा फल है जो दिसंबर में भी लगाया जा सकता है सर्दियों में बिल्कुल दिसंबर में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है तो बेर को आप दिसंबर में भी लगा सकते हैं इन दोनों समय में भी लगा सकते हैं और दिसंबर में भी लगा सकते हैं तो उपयुक्त समय तीन ही है बस ये डॉक्टर साहब अब अगर हम इन दिनों की बात करें तो देखो गर्मियों का समय शुरू हो चुका है और किसान भाइयों ने जिन्होंने फरवरी मार्च में या जनवरी में जो बाग लगाए होंगे उनकी देखभाल का सही समय भी आ गया है बिल्कुल तो उन बागों की किस प्रकार से देखभाल किसान भाइयों को करनी है देखो सबसे पहले मैंने कहा है कि किसान भाई फलदार पौधे या बाग लगाने से पहले जैसे आप मिट्टी की जांच करवाएं और जलवायु के अनुसार बाग लाएँ तो इसी प्रकार अगर किसान भाइयों ने बाग लगाने हैं तो उसकी प्लानिंग एक दो साल पहले कर लेनी चाहिए अब प्लानिंग में सबसे जरूरी है क्योंकि हरियाणा में जो हमारा ये इस बिवानी जो सूखा बाग कह रहा था इसमें गर्मियों में एक तो लू चलती है दूसरा ये गर्मी तापमान बहुत ज़्यादा होता है आंधियाँ बहुत चलती तो सबसे जरूरी है कि किसान भाई अगर एक दो साल पहले प्लानिंग कर लेगा तो सब खेत में जिस खेत में या जिस किले में उसने बाग़ लगाना है उसमें चारों तरफ वो वायुरोधक पौधे लगा दे खेत की चारों तरफ चारों तरफ, तरफ। अगर चारों तरफ ना उसके मान लिया किसान ये जरूरी नहीं है कि चारों तरफ लगा दे तो कम से कम उत्तर और पश्चिम दिशा जो होती है उस तरफ लगा दे खाली दो, दो दिशाओं में तो उससे काफ़ी तो क्योंकि ज़्यादातर जो हवाएं जो हैं वो या उत्री तो उत्तर पश्चिमी चलती हैं और वही तेज़ हवाएं चलती हैं तो इसलिए उस दो तरफ जरूर लगा दे ताकि जो नए लगे पौधे एक तो जैसे गर्मियों में तापमान पैंतालीस छियालीस सन्तालीस तक चला जाता है तो अगर दो तरफ पौधे लगे होंगे तो एक तो तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी सिर्फ़ तापमान में गर्मियों में कमी नहीं सर्दियों में भी क्योंकि ठंडी हवाएँ चलती हैं उसमें तापमान थोड़ा बढ़ेगा जी। तो रोधक पौधे तो प्लानिंग से क्योंकि अब किसान भाई ने जिसने फरवरी मार्च में बाग लगा लिया तो अब अगर वो वायुरोधक पौधे लगाता है तो दो साल में पौधे तैयार हैं दो साल में आपका फल फलदार पौधे भी, थार भी थार हो जाएगा। तो इसलिए इसलिए कहा जाता है कि किसान भाई बाग लगाने से पहले अपनी बिल्कुल प्लानिंग करेगी बीस एकड़ में लगाना मिट्टी जाँच के बाद तो कम से कम वो दो तरफ यूरो तक पौधे जरूर लगाए डॉक्टर मतलब से पहले की सावधानी है सावधानी किसान है। भाई को ये देखो जहाँ तक जब बागवानी की बात चल रही है तो हम तो यही सुझाव देंगे कि फलदार पौधे लगाए खेत के बाहर भी फलदार फलदार तो अब जामुन है जामुन से बढ़िया किसी की छाया नहीं है फल का फल है छाया की छाया है और मेरे ख्याल में बाजार में जामुन से महंगा कोई फल नहीं बिकता जो किसान का बिकता है बिल्कुल बाकी मिलता है वो पचास साठ सौ तक भी मिलते हैं किसान का तीस रुपए से लेकर चालीस रुपए किलो तक जामुन का फल जो है बिक जाता है बाजार में अरे बड़ा छोटा सीजन है। तो सबसे बढ़िया तो है कि जामुन लगाए नहीं तो उसके अलावा जैसे पॉपुलर है जहाँ पानी ज्यादा है पॉपुलर लगा ले सफेदा का भी नहीं लगाए किसान भाई डॉक्टर साहब सफेदा लगाने से नुकसान क्या देखो सफेदा क्योंकि जमीन की नमी बहुत खींचता है तो आप फलदार पौधे लगा रहे हो तो अगर उसकी नमी खींच ली तो क्योंकि हम मेन हमारा जो मकसद है वो तो फलदार पौधे है बिल्कुल खेत में नमी होनी चाहिए नमी तो इसलिए अगर फलदार पौधे फल नहीं देंगे तो फिर खाली लगाने का तो कोशिश करो जैसे सैतूत हैतूत लगा लिया चारों तरफ जी डॉक्टर है जामुन लगा लिया पॉपुलर अगर मान लिया ज्यादा तो कोशिश करो कि देसी आम लगा दिए तो किसान भाई की कोशिश करनी है कि फलदार पौधे लगाए डॉक्टर साहब आंधी के साथ साथ में जो वातावरण है खेत का उसको भी ये संतुलित करके रखते हैं बिल्कुल जैसे गर्मियों में हवा नहीं होगी तो तापमान थोड़ा सा कम हो जाएगा सर्दियों में उन्हीं वही पौधे उसको तापमान को थोड़ा बढ़ाने में काम आएंगे डॉक्टर इ... साहब ये बात रही बाग लगाने से पहले की अब जिन किसान भाइयों ने लगा चुके हैं बाग चाहे उन्होंने प्रशिक्षण लिया है या अपने खेत के पड़ोसी से जानकारी ली है और उन्होंने लगा लिया है और वो दो तीन महीने की बढ़वार ले भी चुके हैं अब किस तरह से उनकी सावधानी की जो स्तर है वो शुरू होंगे देखो आने वाले ये दो तीन महीने हैं जैसे अप्रैल मई जून ये पौधों को मरने से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी देखो क्योंकि नए पौधे हैं किसी ने मार्च में लगाया किसी ने फरवरी ज्यादा ज़्यादा एक दो महीने पौधे हैं तो एक तो किसान भाई उसमें पानी का प्रबंध करे मतलब सिंचाई का प्रबंध करे हर हालत में पौधे को तीसरे दिन पानी मिल जाना चाहिए हर तीसरे दिन हर तीसरे दिन कोशिश क्योंकि आजकल देखो सरकार इस पर टपका सिंचाई पर काफ़ी सब्सिडी देती है जी। किसान भाई वैसे तो बाग क्योंकि देखो पानी की बचत करनी है पानी की कमी है नहरें भी बीस पच्चीस दिन में आती हैं तो इसलिए पानी की बचत का से बचत को देखते हुए किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि जितने भी बाग आगे से लगाएं वो टपका सिंचाई पर लगाएं टपका सिंचाई में तो ये कि गर्मियों में कई बार सुबह भी शाम भी एक तो पानी की बचत होगी एक उतने ही पानी में कम से कम किसान ढाई से तीन गुना ज्यादा बाग लगा सकता है का तो वो कई बार नुकसान भी देता है देखो क्या है कि बड़ा सीधा एक सिद्धांत है कि एक बार तो किसी को पूरा पूरा पानी दे दिया जाए वो पानी में डूब बह रहे फिर उसके बाद उसको पंद्रह दिन सूखे में रखा जाए फिर वो तो सूखे की मार सूखे मार तो पौधा दोनों तरफ मार मार जाता है ज़्यादा पानी से भी और कम भी तो कोशिश रहे अगर पानी मान लिया आपने टपका सिंचाई का प्रयोग नहीं किया है तो हल्का हल्का पानी हर तीसरे चौथे दिन शुरू शुरू में देते रहे गर्मियों में थोड़ा और जब पौधे बड़े हो जाएंगे तो पाँच से सात दिन पर सिंचाई करें एक तो ये बहुत ज़रूरी है दूसरा ये कि देखो सिंचाई करेगा साथ ही साथ गर्म हवाएं चलेंगी पानी फिर उड़ जाएगा तो उसके लिए आजकल काला पॉलीथीन आता है काले पॉलीथीन आता है तो वो कम से कम जो पौधे के आसपास है ना उस काले पॉलीथिन से ढक दे जिससे एक तो नमी रहेगी पानी बाष्प होकर पानी उड़ेगा नहीं नमी रहेगी पौधे के आसपास खरपतवार नहीं होंगे और पानी की जो जरूरत है पौधे को कम पड़ेगी डॉक्टर साहब जो पॉलीथीन लगाना है किसान भाई ने वो पौधे के तने के साथ जो नीचे का हिस्सा है उसमें हाँ मतलब ये लगा लो कि हम दो ढाई फुट पौधे के चारों तरफ गुड़ाई में वो पोलिथीन लगा दे अगर किसान भाई पूरे बाग में लग, मतलब पूरी लाइन में लगाना चाहे तो और भी बढ़िया है परंतु अगर बचत को देखते हुए तो कम से कम पौधे के चारों तरफ दो ढाई फुट के दायरे में वो उसको ढक दे शुरू शुरू में तो नमी बनी रहेगी आपके खरपतवार नहीं होंगे तो पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी कितने दिन तक डक के रखे, रखे कम से कम ये दो तीन महीने में बताया ना कि जो बड़े क्रूशियल होते हैं जिसमें खासतौर पर मई जून जिसमें गर्म हवाएं भी है सब कुछ और जैसे बारिश शुरू हो तब साबुन कटा दे डॉक्टर साहब ये भी किसान भाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अच्छा डॉक्टर साहब पानी के अलावा जैसे आपने खरपतवार की बात कही कि खरपतवार विभागों को नुकसान पहुंचाते हैं कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जो छोटे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और किस प्रकार से किसान भाई उससे निजात पाए देखो खरपतवार आपने बढ़िया बात पूछी जैसे मैंने पॉलीथीन का उसमें खरपतवार बहुत कम है किसान भाई ज़रूरी नहीं कि पॉलीथीन का प्रयोग करें मान ली किसान भाई के पास पैसा नहीं है तो ये जैसे इसकी धान की प्राणी या घास फूस सूखा उससे भी ढक सकता पौधे को चारों तरफ पॉलीथीन के के पास खाद तरफी होते हैं वो ढक दे मतलब कहना है मतलब पॉलीथीन ये नहीं कि बाजार से पॉलीथीन मतलब उसके अपने भी कुछ उपाय हैं जिसको कर सकता है जहाँ तक खरपतवार की आप बात कर रहे हो हर सिंचाई के बाद जैसे मैंने बताया ना पाँच छः दिन में पानी देना हर सिंचाई के बाद उसमें खुरपी चला देनी चाहिए जिससे ना तो खरपतवार होगा अगर मान लिया पॉलीथीन ही ढकया तो पंद्रह दिन में अगर पॉलीथीन ढक ढक्या हुआ है तो मतलब उसको तो बेसिक दस पंद्रह दिन में अगर पॉलीथीन नहीं डके तब आप पंद्रह दिन में दस दिन में अपने उसके निराई गुडाई करता रहे क्योंकि ज्यादा खरपतवार शुरू में नहीं होते मंडियों का हाल कमोडिटी की चाल किसके गिरे भाव किसने दिखाए ताव सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे और दस बजे डीडी किसान पर अच्छा डॉक्टर साहब एक आजकल अगर हम देखें ना तो एक बहुत मतलब आधुनिक सोच किसान भाई की हो गई है वो चाहे टीवी से ज्ञान प्राप्त कर रहा है या समाचार पत्रों से ज्ञान प्राप्त कर रहा है या किसी पत्रिकाएं भी आज किसान के पास घर घर पहुंच रही हैं उनसे ज्ञान ले रहा है आधुनिक हो गया है किसान भाई और इस आधुनिकता में गुणवत्ता कहीं ना कहीं हमारी छुपती जा रही है उसके लिए किसान भाई क्या करता है कि खरपतवार नासी जो दवाएँ हैं उनका प्रयोग कर लेता है और रसायन है उनका प्रयोग कर लेता है तो ये कहाँ तक उचित है करना चाहिए कि नहीं करना देखो अब जैसे किसान भाई चौड़ी पत्ते वाले जो जितने भी खरपतवार होते हैं उनके लिए मतलब टू फोर डी या दूसरे प्रयोग है और आपके फलदार पौधे भी चौड़ी पत्ती के होते हैं जी तो अगर किसान भाई उस चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए दवा का प्रयोग करेगा तो वो पौधे को भी उतना नुकसान पहुँचाएंगे तो इसलिए हम हमारी कुछ कुछ दवाइयाँ हैं कुछ खरपतवारों के लिए परंतु आम तौर पर किसान भाइयों को चाहिए कि वो नड़ाई गुडाई करें खासतौर पर नए पौधों की क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नए पौधों की उसमें साल दो साल तो वो बिल्कुल भी किसी रसायन का जो खरपतवार के लिए ना प्रयोग करें इसके अलावा क्योंकि देखो नए पौधे हैं नए पौधे हैं तो वो हवा से भी उसे टेढ़े हो जाते हैं क्योंकि तना बहुत नरम होता है तो किसान भाई एक डेढ़ महीने के बाद उन पौधों के साथ सरकंडा या कोई इसकी कपास की बनछटी से पौधे को बांध दे खासतौर पर प्लास्टिक से नहीं बांधेंने तने को और प्लास्टिक से नहीं बांधें क्योंकि प्लास्टिक गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है तो वो पौधा भी मरेगा उसके साथ क्योंकि तने पर गर्मी होगी तो कोशिश करें किसी सूती धागे से या सूतली वगैरह से बांध दें तो इससे पौधे को एक बार खड़े होने में सहायता मिलेगा नहीं तो पौधा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि मैं बता रहा था कि ज़्यादातर फलदार पौधे 20-25 साल कम से कम लाइफ होती है जितने भी फलदार पौधे हैं सिर्फ पपीते को छोड़ दो तो ज्यादातर की बीस पच्चीस साल से ज्यादा ज्यादा होती है जी तो एक बार अगर पौधा टेढ़ा हो गया तो सारी उम्र वो टेढ़ा ही रहेगा जी तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब जो सीधे पौधे की हम बात कर रहे हैं आमतौर पर जो फलदार पौधे होते हैं चाहे वो नींबू वर्गीय है या अमरूद के बाग हैं डॉक्टर साहब कितनी ऊंचाई तक पौधे के तने में दूसरी टहनिया नहीं निकलनी चाहिए देखो बहुत अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि अब नए पौधे की बात चल रही है अब आपने सरकंडा बांध दिया पौधा सीधा चलना शुरू हो गया जी किसान भाई दो बातों का बड़ा खास ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादातर शिकायत ये आती है कि जी हम प्योंद वाला पौधा ले थे और बाद में देसी निकल गया जी कलमी पौधा था कलमी पौधा था जी। तो वो उसका कारण ये होता है कि किसान भाई ध्यान रखे जहाँ से जो प्योंद कराया जिस जहाँ आँख चढ़ाने का भाग है ना उससे नीचे कोई टनी ना निकल दे जहां कलम लगाई है अगर उससे नीचे कोई दूसरी टहनी या पत्ते भी पत्ते भी आते हैं तो, तो उसको तोड़ते रहे। उनको साफ कर दूसरी बात पौधे को दो ढाई फुट तक सीधा बढ़ने दें उसके बाद ऊपर से उसको चूंट दे तो उससे क्या होगा कि जहां हम पौधे को जब ऊपर से देंगे तो उसके बाद उससे तीन चार टहनिया निकलेंगे अलग अलग दिशाओं में ढाई फुट तक आप दो ढाई फुट तक कम से कम उसके बाद अलग अलग दिशाओं में जब टहनिया निकलेंगी उनको बढ़ने दें जी। तो एक क्या होगा वहीं से पौधे का एक जो कहते हैं ना आकार बनना शुरू होगा अच्छा फुटाव शुरू हो जाएगा आकार भी बनेगा उसका क्योंकि पौधा चारों तरफ फैलाना एक तरफ तो हमने करना नहीं जी। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका कि ढाई दो ढाई फुट के बाद ऊपर से जो तना चढ़ रहा है उसको ऊपर से सिर्फ चूंट दे हाथ से जी। तो उससे जो आंखें उसके चारों तरफ हैं उसे पांच छ जितनी भी हैं हर दिशा में एक एक टहनी निकलनी शुरू हो जाएगी जब वो टहनी दो ढाई फुट की हो जाए जो अलग अलग दिशाओं में निकली है फिर उनको आगे से फिर चूंट दे मतलब तने से से तना फुट फुट का हो गया वहां से चुनना है हाँ, और उसके बाद बाद जो तरफ हाँ, निकली है, हाँ, उनको भी दो फुट जाने के बाद आगे चुन, से दे, से चुन देना है, हाँ, चुन, दूसरी बात एक ध्यान रखनी है कि कई बार इधर वाली टहनी इधर चल देती है या इधर वाली इधर उनको काटते यानी टहनियों की ओवर क्रॉसिंग एक दूसरे के ऊपर चाहिए तो ये जो सारा प्रोसेस है जितना भी ये बताया मैंने इसमें कम से कम तीन चार महीने लग जाएंगे क्योंकि टहनी इतनी जल्दी बढ़ती नहीं धीरे धीरे टहनी वहां तक पहुँचेगी उसके बाद टहनियाँ आगे बढ़ेंगी इतने में अगर पौधे का आकार किसान भाई ने ठीक दे लिया तो अगले साल तक या बरसातों के बाद उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद तो जो टहनियाँ निकलती हैं वो निकलने दें तो ये एक पौधे का आकार दे जो किसान भाई आमतौर पर नहीं कर पाते लगाया पौधे पानी दे देंगे खाद दे देंगे परंतु उसका उकार देने की कोशिश नहीं करते जो बाद में कई बार पौधे टेढ़े हो गए हैं आपस में टैंडियाँ मिल रही हैं उससे पैदावार पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने क्योंकि जो जड़ है मूसला जड़ जिसको हम कहते हैं वो पौधे को न्यूट्रिएंट्स जो हैं पोषक तत्व तो जो हैं वो ऊपर तक पहुंचाती है अगर वही टेढ़ी हो गई और तना टेढ़ा हो गया तो वो सही मात्रा में नहीं जा पाएंगे डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया खाद का पानी की जगह हमने कर लिया पानी की बात हमने कर ली पौधे का सीधा तने की बात हमने कर ली खाद जो है वो मुख्य पोषक तत्व माना जाता है किसी भी फसल का तो खाद का क्या प्रबंधन रखें नए बागों में देखो सबसे पहली बात तो है कि जब किसान भाई ने पौधा लगाया हम कहते हैं कि उस गड्ढे में चालीस पचास सौ किलो तक खाद देसी खाद डाल एक गड्ढे में एक गड्ढे में जी जब शुरू में लगाने से लगाने पहले, से पहले दो किलो उसमें फास्फेट डाल जी अब वो उसने डाल लिया है तो पौधे के लिए ये खाद एक साल तक बहुत है उसके अलावा अगर किसान भाई को ये लगे भी थोड़ी बहुत ही पौधे की बिड़वार कम हो रही है तो बरसात के सीजन में 20-25 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक पौधे के आकार के ऊपर निर्भर करके वो डी या किसान खाद पौधे के चारों तरफ डाल दे जिससे ये काम वो साल में एक दो बार कर सकता है ज्यादा खाद नहीं डाले अच्छा डॉक्टर साहब ये जो खाद डालनी है ये फल देने के वक्त डालनी है या फल आ, की पैदावार लेने के बाद डालनी है ऐसे है कि ये बात जो बता रहे हैं मैं नए पौधे के लिए 20-25 ग्राम जो है ना वो नए पौधों के लिए बता रहा हूँ जो पौधे फल तो पौधे तीन साल के बाद देंगे तो जो नए पौधे हैं ना उसमें अगर उसको किसान भाई को ये लगे कि इसकी बढ़वार कम हो रही है तो किसान भाई जुलाई अगस्त सितंबर में जब बारिश होती है उस समय उसमें पच्चीस ग्राम से पचास ग्राम तक किसान खाद पौधे के चारों तरफ बुर डाल दे उसके बाद पानी दे दे तो इससे यह है कि पौधे की बिटवार सही हो जाएगी डॉक्टर साहब जो कलमी पौधे हैं जो किसान भाइयों ने अपने खेतों में लगाए हुए हैं अमूमन कितने समय के होने पर वो फल देना शुरू कर देते हैं देखो ज्यादातर पौधे जैसे नींबू जाति के हैं अमरूद के हैं बेर के हैं हमारे तीसरे साल फल शुरू कर देते हैं तीसरे साल का मतलब ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि अमरूद की पैदावार क्विंटल है या किन्नों की पैदावार 80 किलो से लेके एक क्विंटल है वो शुरू में दस बीस किलो देंगे फिर अगले साल पूरा जो फल है ना वो पौधा छः से लेकर आठ साल का देता है जिसको हम जिसकी औसतन पैदावार कहते हैं तो जिसमें अस्सी किलो आ गया या एक कुंटल वो छः से आठ तो शुरू तीसरे साल तक लगातार जो मैं बताया अभी पौधे को आकार देना ये तीनों साल अगर किसान भाई शुरू में मेहनत कर लेता उसको उसके बाद 20-25 साल तक पौधे को सिवाए खाद पानी के और कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो शुरू में उसका आकार सही दे देता दे यानी कि डॉक्टर साहब आपका कहने का अर्थ यही है कि किसान भाई अगर तीन साल मेहनत कर लेता है तो आगे का जो पौधे के या समय है जीवन है वो आराम से उससे फल लेता रहे बशर्ते उसमें पानी का प्रबंधन और खाद का जो प्रबंधन है वो संतुलित बना करके रखे और वो समय पर करता रहे डॉक्टर साहब आपने एक बात कही कि फिर पौधे को जरूरत तो नहीं है लेकिन अगर नींबू वर्गीय पौधों की बात करें तो उसमें कटाई छटाई का बड़ा महत्व है तो नींबू वर्गीय पौधों में वो कटाई जो छटाई करनी है किस प्रकार से करनी है और कौन कौन सी ऐसी जो टहनियाँ हैं जिनको काटना है किसान भाई में? देखो कटाई छटाई तीन चार पौधों में होती है किसान भाइयों को बता देता हूँ कटाई छटाई का मकसद दो होते हैं एक तो अच्छे फल लेना दूसरा यह है कि पौधों की उम्र बढ़ाना अब जितने भी आड़ू आलू बुखारा नाशपाती इनकी कटाई छटाई के बिना फल नहीं आता जी बेर जैसे अंगूर इनमें कटाई चटाई करना फल अच्छे फल लेने की जरूरी है और नींबू जाती है फल और अमरूद वगैरह इसमें कटाई चटाई सिर्फ फल लेने के लिए कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं है इसमें अच्छे फल जिससे टहणियाँ आपस में ना मिलें उसको करने के लिए कटाई छटाई करते हैं नहीं तो नींबू वर्गीय फल हो चाहे अमरूद हो उसमें कटाई छटाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सिर्फ जो मरी हुई टहनियाँ हैं जिसमें बीमारी लगी है उन उनको निकालना चाहिए बाकी को, कटाई छड़े की कोई जरूरत डॉक्टर साहब भाई आ, किसान भाई हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और हम नए बागों की बात कर रहे हैं तो जिन किसान भाइयों ने पुराने बाग लगाए हुए हैं वो सोचेंगे कि हमारे बागों की तो चर्चा नहीं की तो डॉक्टर साहब जो पुराने बाग हैं उनमें किस प्रकार से देखभाल करनी है देखो पुराने बागों में अब जैसे हम जनवरी फरवरी की बात करें जितने भी पुराने बाग हैं हमेशा किसान भाई ध्यान रखें दिसंबर जनवरी में तो गोबर की खाद दें उम्र के अनुसार दिसंबर और जनवरी जनवरी में, में। क्या होता है कि अभी अप्रैल में अगर गोबर की खाद देंगे तो पौधे मरने का पूरा क्योंकि गर्मी वैसे ही है गर्मी है और गोबर की खाद में ज्यादा गर्मी है तो इसलिए किसान भाई एक तो इस बात का पुराने बागों वाले की दिसंबर जनवरी में गोबर की खाद दें जी जितनी भी रासायनिक खादे हैं जिसमें डीएपी भी आ गई किसान खाद आ गई यूरिया आ गई पोटास आ गई वो सारी की सारी फरवरी आखिर या मार्च में थे सभी फलदार पौधों की बात करें जितने भी नींबू जाति के फलदार पौधे हैं अमरूद है आपके सिर्फ बेर बेर में गोबर की खाद जून के महीने में, में दी जाती है और जो रासायनिक खाद हैं वो जुलाई के महीने में, में दी जाती है जी बाकी सब तो किसान भाई खाद डाले उसके अंदर पानी जैसे मैंने गर्मियों में बताया गर्मियों में सात आठ दिन पर पुराने जो बाग हैं उनमें सात आठ दिन पर पानी दो सर्दियों में दस से पंद्रह दिन पर दो तो अगर ये खाद समय बिटेगा एक बात आप जो कह रहे थे पुराने बागों के लिए हमेशा फलने बढ़ने के बाद जब फल मटर के दाने का हो जाता है सभी फलदार पौधों में जी फल बढ़ने के बाद एक बार नाइट्रोजन खाद जिसको हम यूरिया आमतौर पर किसान भाई यूरिया बोलते हैं जी किसान खाद भी उसी का पाए एक बार नाइट्रोजन खाद फल बढ़ने के बाद जरूर देनी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन खाद का फल की बंटवार में सबसे ज्यादा रोड रोल जी डॉक्टर साहब जब नाइट्रोजन देनी है फल की बंटवार के लिए आपने बताया कि मटर के दाने जितना जब फल बढ़ना शुरू हो जाए तब वो देनी है अच्छा डॉक्टर साहब किस मात्रा में दें देखो पत्ती पौधा पत्ती पौधे की बात है क्योंकि इसकी एक तालिका है पूरी पूरी जब पौधा एक से तीन साल का होता है उसकी अलग खाद है वो तो किसान भाइयों को मैं एडवाइस करूंगा क्योंकि कई लाख रुपए लगा के अगर वो बाग लगाता है तो एक वो पुस्तक जरूर खरीद ले क्योंकि उसमें हर पौधे की उम्र के अनुसार खाद बढ़ती जाती है जी मतलब गोबर की खाद भी किसान खाद भी पोटास सारी जैसे नींबू जाति के फल हैं शुरू में उसको आधा किलो किसान खाद चाहिए जी। आधा पौना किलो उसको एस एस पी चाहिए एक से तीन साल तक परंतु जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ेगी तो उसकी खाद की मात्रा तो बढ़िया है कि उस तालिका को पढ़ के किसान भाई खाद डाल डॉक्टर साहब एक अहम सवाल और क्योंकि समय की कमी है और समय को देखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा जो किसान भाई बाग लगा रहे हैं उनमें एक समस्या आती है फल फटने के वो उसका निवारण आप हमें जरूर बता दें ताकि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके देखो आपने तो फल फूटने की कही है दो समस्या किसान को सबसे ज्यादा उसको उसकी सोच को ना बड़ा बाग से हटाने की कोशिश करती है एक तो फल गिरना और एक फल फटना जी फल गिरने की समस्या जो है उसके कई कारण जैसे एक तो फूल बनते हैं उसके बाद फूल गिरते गिरते हैं ये किसान भाई कोई ना सोचे कि अगर सौ फूल आते हैं और उसमें नब्बे गिर जाते हैं और दस ही रहते हैं तो इसका मतलब बहुत बढ़िया पैदावार है जी किसान सोचता है कि फल फूल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं दस फूल रह गए सौ में से बहुत ज़्यादा पैदावार होती है तो एक तो वहाँ चिंता है दूसरा जो जो फल गिरने का जो समय है जो किसान की चिंता बढ़ाता है वो होता है जून मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा फल गिरते हैं जी और तीसरा समय होता है जब किसान के फल बिल्कुल पकने को तैयार होते हैं तब गिरते हैं तो इसके कारण अलग अलग है फूल गिरना एक स्वाभाविक है जी जून में ज़्यादा तापमान और उसके कारण परंतु उसकी रुकावट के उसको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं जैसे नमी मई जून में मैं पहले भी बता रहा था कि भाई किसान भाई पौधे में मई जून में नमी रखें जी हवाओं को हम नहीं रोक सकते जैसे वायुरोधक पौधे शुरू में ही बात हुई थी तो अगर किसान भाई के वायुरोधक पौधे लगे होते तो उस किसान भाई के दस बीस प्रतिशत पौधे जो फल का गिरना कम हो जाता कम हो जाता तो फल गिरने के ये भाई असली जो कारण है वो कारण है आगजिन एक आगजिन हारमोन है उसकी कमी के कारण सबसे ज़्यादा फल गिरते हैं उसके लिए यूरिया नेपथथली के सी टी है, है टू फोर डी आती है अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग स्प्रे जी जैसे मान लिया अमरूद में फल गिरता हो अमरूद में या बेर में उसमें यूरिया जिंक का स्प्रे कर दो एक किलो यूरिया आधा किलो जिंक सौ लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर दो तो सिर पाउडर तो किसान भाइयों आपने जाना कि किस प्रकार से आपने अपने बागों की देखभाल करनी है और जो डॉक्टर साहब ने बातें बताई अगर उसको आप अपने खेतों पर प्रयोग करोगे अपने बागों में प्रयोग करोगे तो आप निश्चित रूप से अपने बागों से अच्छी आमदन प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते सही समय पर आप पानी दें खाद का प्रबंधन करें और बीमारियों से बचा करके रखें तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आप आए और किसान भाइयों को इतनी ज्ञान लाभ जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद किसान